सो व्हाट्सअप गाइज, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ क्लैश ऑफ क्लैंस का। तो आज मेरे क्लैन में हाशिम भाई ने मुझे चैलेंज दिया कि TS12 वर्सेस TS11 करके दिखा हाइब्रिड अटैक से। तो मेरे पास बुड्ढा भी नहीं था जैसा आप देख सकते हो आर्मी में, और 39 की क्वीन थी, और आर्मी आप देख ही रहे हो कि 2 आर्चर्स, 5 वॉल ब्रेकर, 5 हीलर्स, 1 बेबी, 13 माइनर्स, 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 12 हॉक्स, और मेरे पास था स्टोन स्लैम। तो बेसिकली यही आर्मी थी, और स्पेल कंपोजिशन मेरा था कि 2 हील 3 रेज और 2 फ्रीज लिया था मैंने सीसी में। तो सबसे पहले किया क्या मैंने, यहाँ पास से अपना क्वीन चार्ज स्टार्ट किया मैंने। पहले उधर से एक इलेक्ट्रोड्रैगन दे दिया फनलिंग के लिए साइड से, क्योंकि इसके बीचों बीच अपन आर्मी डिप्लॉय करेंगे, तो यहाँ से अपना हुआ क्वीन चार्ज स्टार्ट। ओके, तो एक बेबी मैंने यहाँ दिया क्योंकि जिससे क्वीन इस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि क्वीन तो बहुत जल्दी है ये सब, मतलब क्या ही बोला जाए, इस आर्मी में तो क्वीन ही है, अगर क्वीन थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुई तो सब ख़त्म। ओके, तो यहाँ पास अपना क्वीन चार्ज चल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि कब क्वीन ईगल को तोड़ती है। जैसे क्वीन ईगल को तोड़ेगी हम अपना पूरा आर्मी डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पास अटैक सही जा रहा था, और यहाँ पास अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन का वाट लग चुका था। ओके, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रो ड्रैगन तो अपना काम कर ही चुका था, साइड से थोड़ा सा फोनल बना चुका था जिससे आर्मी उस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पास अपने देंगे अब क्वीन को रेज, वेट थोड़ा सा और वेट करते हैं, और यहाँ देंगे रेज और वॉल ब्रेकर्स। वॉल ब्रेकर्स का कोई ज़रूरत है नहीं, तो वॉल ब्रेकर्स वेस्ट ही कर देते हैं। यहाँ पास था टोर्नेडो ट्रैप। ओके, तो अच्छा हुआ कि अपना माइनर और हॉक्स बच गए। ओके, थोड़ा सा और वेट करते हैं, बस ईगल टूट जाए, बस थोड़ा सा। तो गाइज़, आपको क्या लगता है TH11 वर्सेस 12 हो सकता है 3 स्टार या नहीं? ओके, तो आई डोंट होप, कुछ चांसेस हो सकते हैं बट ओके। तो अपना स्टन स्लैमर अपन राइट से देते हैं जिस तरफ से इधर का सेक्शन थोड़ा भी क्लियर हो जाए, और यहाँ बस 3 हॉक्स देते हैं जिसकी वजह से ये जो बॉम्ब टावर, इसका बॉम्ब ज़्यादा डैमेज ना करे अपने ट्रूप्स को। ओके, तो यहाँ पास अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय और बुड किंग को यहाँ देंगे। ओके, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो अपना स्टोन स्लैमर यहाँ टूट जाएगा। ओके, टूट गया, अपना इलेक्ट्रोड्रैगन बाहर आया। ओके, तो देखो यहाँ पास जो था साइड में का फनल इलेक्ट्रोड्रैगन क्रिएट कर चुका था, वो अपने लिए बेनिफिशियल था कि अपना माइनस उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ओके, तो किंग आगे जा रहा है और पीछे माइनस। ओके, TH की तरफ चले गए, तो इधर एक रेज दे देते, हीलिंग दे देते हैं जिससे ये TH इजीली ले लें। तो ओके, यहाँ तक तो सही जा रहा है। ओके, एक हीलर है इस तरफ, तो ये वाले माइनस सेफ हैं। ओके, इधर का सेक्शन क्लियर हो ही गया, 60% अपना बेस क्लियर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पास माइनर का पूरा बंच है, तो अभी वेट करते हैं। अपने को लगता है एक फ्रीज की ज़रूरत पड़ सकती है इधर, एक्सपो फ्रीज करें क्या? ओके, एक्सपो फ्रीज करते हैं। ओके, अपने क्वीन की एबिलिटी चली गई, और 79% निकल चुका है, और टाइम ओनली 33 सेकेंड्स बचे हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है, मेरे को लगता है टाइम से ही हार जाऊंगा। ओके, जस्ट वेट, 89%, 90%, 91%, ओनली 20 सेकेंड लेफ्ट। ओके, इधर तरफ। ओके, यार वेट, क्या होगा, क्या होगा भाई, लिटरली आई डोंट नो, क्या ये हो सकता है 3 स्टार? कम ऑन क्वीन, अब तुम्हारे ऊपर है पूरा मैच। क्या गाइस, हम लोग TH11 वर्सेस 12 पे 3 स्टार निकाल सकते हैं? कम ऑन क्वीन, ओ भाई साहब, लिटरली भाई पूरे पूरे 3 मिनट लग गए, और फाइनली TH11 वर्सेस 12 हम लोग 3 स्टार निकाल चुके, वो भी विदाउट वार्डन। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। ओके गाइस, समझ आइए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।